गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDE 143, जो आपके प्रेमचंद इस बुक का नाम है, BHDE 143, आज हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कह लीजिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चनों को आपको ज़रूर करके जाना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो मैं ज़रूर बोलूँगा इन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको मैंने उसमें क्या बताया था कि बुक में से कौन कौन से पॉइंट को आपको करके जाना है। उसके बाद ये हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखिएगा, सेवा सदन उपन्यास का परिवेश का चित्रण कीजिए। जो सेवा सदन उपन्यास है उसका परिवेश कैसा हो आपको बताना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा, अध्याय 3 में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पूस की रात कहानी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर नंबर 8 में आपको देखने को मिलेगा पूस की रात कहानी जो है उसका शॉर्ट में स्टोरी बतानी पड़ेगी। सभी के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रेमचंद्र के कुछ प्रमुख उपन्यासों का वर्णन कीजिए। ये प्रेमचंद्र जी जो हैं ये आपको चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा जी, जो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिख रखे हैं, जैसे सेवा सदन है, गोदान है, ये सारे जो उपन्यास हैं उनके बारे में आपको क्या बताना पड़ेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के नाटक करबला की अंतर वस्तु की विवेचना कीजिए। यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाटक है करबला, एक नाटक है उनका, उसकी अंतर वस्तु क्या है उसको बताना पड़ेगा। ये आपको चैप्टर नंबर 5 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सार अपने शब्दों में लिखे। जो शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है इसका सार अपने लैंग्वेज में बताना है, शॉर्ट स्टोरी, और अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है। अपने लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि अपने जो मन में आए लिख देना, यानी बुक के हिसाब से लिखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, देखिए क्या है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी ईदगाह के संरचना एवं शिल्प पर प्रकाश डालिए। यानी प्रेमचंद जी को जो कहानी है ईदगाह जो है उसका संरचना शिल्प कैसे, यानी उसकी भाषा शैली बताओ, यानी किस प्रकार की भाषा है और किस प्रकार की उसमें शैली का प्रयोग किया गया है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 15 में आपको देखने मिला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पंच परमेश्वर कहानी का सार लिखिए। ये आपको चैप्टर नंबर 12 में आपको देखने मिलेगा रहेगा, पंच परमेश्वर कहानी है इसका आपको शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, शॉर्ट इतना भी, सार का मतलब होता ना उसका निचोड़ क्या निकलता है उसका सार बताइए, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा की अंतर वस्तु लिखिए। अंतर वस्तु का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ों पर चर्चा की गई है, किन किन चीज़ों पर बात की गई, यानी उसकी कथा कैसी है या उससे क्या निचोड़ निकलता है वो बताना पड़ेगा। 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर नंबर 17 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेवा सदन की गौण चरित्रों का चित्रण कीजिए। यानी जो सेवा सदन जो है उसमें जो ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो गौण है हमें दिखाई नहीं देते, उनका कैरेक्टर बताना है, चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रेमचंद्र के साहित्य का उद्देश्य की अंतर्वस्तु करें। यानी प्रेमचंद्र जी जो हैं उनके जो साहित्य लिखे गए उनका उद्देश्य क्या है, उसकी अंतर्वस्तु बताइए, चैप्टर नंबर 7 में देखने मिलेगा। सभी के सभी दोस्त 20 नंबर के क्वेश्चन हैं और इन सभी को आप पढ़ के जरूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं लेके आया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, सेवा सदन की कथा की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। जो सेवा सदन है है उसकी कथा कैसी है, कथ्य वस्तु बताना है, उस पर प्रकाश डालिए, चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्त्री संघर्ष के प्रतीक के रूप में सुमन की चरित्र विशेषताओं को बताइए। यानी स्त्री का संघर्ष कैसा है या स्त्रियों का स्त्रियां का जीवन में संघर्ष कैसा बना हुआ है उसके रूप में सुमन जो है उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताना है, चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, साहित्य का उद्देश्य की शैली विशेषताओं को स्पष्ट किए। यानी साहित्य का उद्देश्य की शैलीगत विशेषताएँ, यानी जो साहित्य का उद्देश्य है उसकी शैलीगत विशेषताओं बताइए। यानी उसकी शैली कैसे है, किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की शैली है, शैली का मतलब होता है कहने का ढंग क्या है, कहने का तरीका क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को करके ज़रूर बताना, जिस स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है उनका भी ये एग्ज़ाम ही है तो उन्होंने इन सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है और आप इन सभी क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा,
साहित्य का उद्देश्य का सार अपने शब्दों में लिखे। साहित्य जो होते हैं उनका सार क्या होता है, उसका उद्देश्य अपने शब्दों में बताना है, चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा। जिस स्टूडेंट का मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, पिछले भी उन्होंने ऐसे ही प्रकार से क्वेश्चन मेरे को दिए थे, मैंने वीडियो बनाया था, उनके खुद के एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 75 आए हैं, एक में शायद 80 प्लस आया है और एक में शायद 75 के, दोनों के बुकों का मैं बता रहा हूँ। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर करके जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जो क्वेश्चन है, खुद जो स्टूडेंट इनका एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने बताया है, उनके खुद सेकंड ईयर में जो उन्होंने एग्जाम दिया है उनके 80 प्लस भी मार्क्स आए हैं एक पेपर में, तो 75 प्लस एग्जाम में आती, इसीलिए बोल रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाइएगा। देखो, साहित्य का उद्देश्य का सार अपने शब्दों में लिखे, चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, प्रेमचंद्र के उपन्यास की सामान्य विशेषताओं को लिखिए, यानी प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी की जो कहानी उसका प्रतिपाद्य बताना है, चैप्टर नंबर 11 में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पूस की रात कहानी का प्रतिपाद्य पर विचार कीजिए, यानी पूस का रात जो कहानी है उसको भी प्रतिपाद्य ही बताना है, वो भी अपने अकॉर्डिंग बताना है, ये चैप्टर नंबर 9 में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को आपको करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो बैलों की कथा कहानी का सार अपने शब्दों में लिखे, यानी दो बैलों की जो कथा है, जो दो बैलों की कथा या दो बैलों की जोड़ी जो है प्रेमचंद जी की जो कहानी है उसको आसार अपने शब्दों में बताना है, चैप्टर नंबर 16 में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ईदगाह कहानी का सार लिखे, यानी ईदगाह जो कहानी है उसका शॉर्ट स्टोरी बताना है, ये चैप्टर नंबर 14 में आपको देखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पंच परमेश्वर कहानी का मूल्यांकन की, ये भी आपको चैप्टर नंबर 13 में देखने मिलेगा। पंच परमेश्वर जो है कहानी है प्रेमचंद जी की, इसके आपको शॉर्ट में बताना है। देखो अगर मैं बताऊं तो आपको प्रतिपाद, संरचना शिल्प, भाषा शैली, कथा सार, अंतर्वस्तु, ये सारी चीज़ों को आपको जरूर पढ़ के जाना है सभी चैप्टर का, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी को करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके काफ़ी मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, करबला नाटक के चरित्रों का वर्णन, यानी करबला जो नाटक है उसमें किस प्रकार के चरित्र हैं, किस प्रकार के कैरेक्टर हैं, वो आपको बताना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का सार अपने प्रस्तुत कीजिए, यानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है पूस की रात, उसका जो सार है वो आपको बताना पड़ेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के माध्यम से मीरा और मिराज का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है उसके माध्यम से मीरा और मिराज का चरित्र कैसा है, उनका दोनों का कैरेक्टर कैसा, वो हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कहानी क्वेश्चन है हमारा, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी का वर्णन, एक कहानीकार के रूप में, एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद्र जी का वर्णन करना है, भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ईदगाह कहानी का मूल्यांकन कीजिए, यानी ईदगाह जो कहानी है वो कैसी कहानी है, किस प्रकार की कहानी है, हमारे समाज पर कैसा प्रभाव डालती है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेवा सदन के संरचना योम शिल्प पर प्रकाश डालिए, यानी सेवा सदन जो है उसका संरचना शिल्प कैसे है, यानी उसकी भाषा शैली कैसे है, किस टाइप से है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रेमचंद्र की कहानी दो बैलों की कथा के परिवेश पर टिप्पणी, यानी प्रेमचंद जी को जो कहानी है दो बैलों की जोड़ी या दो बैलों की कथा जिसे बोलते हैं हम, उसका परिवेश कैसे है, यानी वातावरण कैसे है उसको बताना पड़ेगा, यानी गाँव की कहानी है, किस टाइप की कहानी है, लोगों की मानसिक, ये सारी चीज़ें कि कैसा माहौल है उसको बता। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, प्रेमचंद्र जी के साहित्य का उद्देश्य की भाषा संबंधी विषय, यानी प्रेमचंद जी के जो साहित्य हैं उनमें उनकी भाषा का उद्देश्य क्या है, उनकी भाषा की विशेषता आपको बतानी पड़ेगी, ये बताइए, 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, पंच परमेश्वर नामक कहानी के संरचना व शिल्प पर, यानी पंच परमेश्वर जो कहानी है उसका संरचना शिल्प कैसा है, इसमें संरचना शिल्प में दो चीज़ें पॉइंट होती है, भाषा बताओ और शैली बताओ, यानी लैंग्वेज कैसे कैसे यूज की गई है, और इसमें शैली का मतलब होता है बातचीत कहने का ढंग क्या तरीका, जैसे भावनात्मक शैली, काव्यात्मक शैली, या कैसे व्यंगात्मक शैली, इस टाइप की शैलियाँ होती, तो उसे पंच परमेश्वर की शैली कैसे वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या रहेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेवा सदन के प्रमुख चरित्रों के चित्रण का होने, यानी सेवा सदन जो है उसके प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन से वो हमें बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा शतरंज के खिलाड़ी कहानी के संरचना शिल्प का विवरण दें, यानी शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है उसका संरचना शिल्प कैसे है वो हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा पंच परमेश्वर कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके जो कहानी है ठीक उसमें जो पात्र है उनका चरित्र कैसा उनका कैरेक्टर कैसा हुआ बताना पड़ेगा। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा पूस की रात कहानी के संरचना शिल्प का वर्णन कीजिए, यानी पूस की रात जो कहानी है उसका संरचना शिल्प कैसे है उसको बताना पड़ेगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के योगदान बताइए, यानी पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसमें प्रेमचंद जी का कैसा योगदान है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है। जितने सभी क्वेश्चन हैं इन सभी को करके जाना है आप सभी को ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 है सेवा सदन के कथनक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसको भी कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेवा सदन की अंतर्वस्तु से जुड़े प्रमुख मुद्दों को बताइए, यानी सेवा सदन जो है उसके कौन कौन से मुद्दे एक तो देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दो बैलों की कथा ठीक है, इसमें जो रहेगा अगला क्या रहेगा दो बैलों की जो कथा है कहानी इसका चरित्र क्या इसका करैक्टर क्या इसको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रेमचंद के लेखीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रेमचंद जो है उनका लेखीय दृष्टिकोण कैसा है हमें बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इस पर देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है ईदगाह की कथा वस्तु लिखिए, ईदगाह जो है उसकी कथा वस्तु कैसे है। और नेक्स्ट आखिरी जो हमारा क्वेश्चन रहेगा करबला नाटक की भाषा विशेषता, यानी उसकी भाषा की किस किस प्रकार की विशेषता है वो बताना पड़ेगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कोशिश करूँगा इस चैप्टर को आपको क्लास भी लाने की या नोट्स वोट्स देने की ताकि आप सब लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।